करनाल रोडवेज ने गत दिवस गांव नेवल के पास हुए हादसे से सबक नहीं लिया। हरियाणा रोडवेज की बसें करनाल गढ़ी बीरबल मार्ग पर सही समय पर नहीं चलने से ग्रामीणों ने खफा होकर इंद्री हल्के के गांव कलसोरा में करनाल गढ़ी बीरबल रोड को जाम कर दिया। मौके पर रोडवेज के अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। गत दिवस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 50 के लगभग यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे, क्योंकि बस में अक्षमता से अधिक यात्री थे और बस का संतुलन बिगड़ने से पलट गई थी। कॉलेज में जाने वाले और अपने रोजमर्रा के काम के लिए जाने वाले लोगों की मांग है कि इस रोड पर अधिक बसें लगाई जाए व सही समय पर उन बसों को चलाया जाए ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो। छात्रों व ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक कई बसों को रोके रखा, जिससे वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस मौके पर रोडवेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बाद में प्रशासन की ओर से आए ट्रांसपोर्ट मैनेजर संजय रावत के आश्वासन पर बसों को जाने दिया गया। करनाल गढ़ी बीरबल रूट पर बसों की काफी कमी है, जिसके कारण रोजाना यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस रूट पर बसें कम होने की वजह से बसों में भारी भीड़ रहती है। उन्होंने बताया कि बसें समय पर नहीं आती, जिस कारण भी भीड़ ज्यादा होती है और काफी समय बस स्टैंड पर ही खराब हो जाता है, जिस कारण स्कूल कॉलेज के छात्रों व अन्य यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे खफा होकर ग्रामीणों व छात्रों ने सुबह 10 बजे के करीब बसों को रोका और करीब 2.5 घंटे तक बसों को चलने नहीं दिया गया। आज रोडवेज बसों का जाम लगाया गया था यहाँ पे, जो परसों बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसके बावजूद भी आज बसों का आज भी वही रूटीन है। आज 7:30 बजे के बाद बस जो 10:30 बजे के बाद ही आई, और वो भी एक साथ इकट्ठी 4 आई। जो पहले बस आई थी उसके अंदर 160 आदमी सवार थे। जो उस दिन हादसा हुआ था बड़े गांव के पास, उसके अंदर भी 200 आदमी सवार थे। उसके अंदर कम से कम 28-30 आदमियों की मौत हो चुकी है। आज हमारे को सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि हर आदमी को आश्वासन दिया था कि जिसका भी जो पेशेंट है, जो भी दुख किसी के साथ जो भी हुआ था, कि उसको हम पैसे से मदद करेंगे। जो भी था सत्या की सरकार इस चीज का आगे से ध्यान दे कि ऐसा दोबारा हादसा ना हो। इस रूट पे ज्यादा से ज्यादा बसें छोड़ी दी जाए, हर 20 मिनट के बाद सर्विस कर दी जाए, कि किसी भी बस के अंदर 20-30 से ऊपर सवारी, 50-52 से ऊपर कोई सवारी ना हो, ओनली सीटर ही सवारी रखे, कि ऐसा दोबारा हादसा ना बने। हम सरकार से यही मांग करें, अगर दोबारा से यही गलती हुई तो हम बिल्कुल ही चक्का जाम कर देंगे, स्टैंड पे करनाल बस स्टैंड पे ब्लॉक कर देंगे हम। पर जो हमारा ये चक्का जाम करने का जो मेन मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा कोई राजनीतिक पार्टी से किसी से नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो मेन मुद्दा है, अभी 2 दिन पहले हमारे इस गढ़ी बीरबल वाया ब्याना करनाल रूट पर अभी एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें लगभग काफी लोगों की जान जा चुकी है और जिसमें कम से कम काफी लोग जो है 27-28 लोग जो है घायल हो चुके हैं। अपना मेन मुद्दा यह है कि पहले हमारे यहाँ पर प्राइवेट बस की सर्विस थी, तो हमें बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर सर्विस दी जाती थी। हर 25-20 मिनट के बाद बस की सर्विस दी जाती थी, प्रॉपर सवारी को बिठाया जाता था और एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत बस को चलाया जाता था। जब से यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसें चली हैं, हमारे बच्चे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, कभी उनके पास में दिक्कत आती है, कभी उनकी जो बस है वो बड़ी फुल। मैं डेली इस रूट से जाता हूँ, मैं डेली देखता हूँ लगभग 52 सीटर बस के अंदर 150-150 सवारी बिठा करके लिया जाता। ये कहाँ का कानून है? क्या ये हरियाणा रोडवेज के सिर्फ इसी रूट के लिए? बाकी रूटों पर हम देखते हैं काफी बसें चली हुई हैं। ये गया था 9:45 के बाद 11:45 बस, यानी 2 घंटे बाद बस आई। अगर किसी गरीब आदमी को या मिडिल फैमिली को जिसके पास गाड़ी नहीं है, कोई व्हीकल नहीं, अगर उसको करनाल जाना पड़े या किसी की डेथ होती है वहां पे जाना पड़े तो उसके साथ क्या गुजरेगी? क्या मांग आप लोगों? मांग सिर्फ हम लोगों की यही है कि हमारे जो बसों का सीमा है वो निर्धारित की जाए, टाइम टेबल है, हर 20 मिनट बाद हमें सर्विस दी जाए, और अगर हमें ये सर्विस नहीं मिलती और हमारी बसें जो ठीक ठाक बसें नहीं होती तो हम ये दोबारा से चक्का जाम करेंगे। बस हमसे हमारा सभी का लिखित में हमने जीएम रोडवेज से यही लिया है कि हमने कई बार जैसे पहले भी चक्का जाम किया था तो हमें सिर्फ वर्बली बोल के बता दिया जाता था कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता था। आज हमने इस चीज को रिटर्न में लिया है ताकि हमारे पास प्रूफ रहे और बाद में कोई मुकर ना सके। अगर मुकरेगा तो हम इसको सीएम के सामने पेश करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ग्रामीणों के आगे कोई नहीं टिक पाया आज तक और ना टिकेगा। बस आश्वासन ये है कि एक तो जो हादसा हुआ था उसका हमें काफी दुखद है कि जो हादसा हुआ, और आगे हम इस रूट पर पूरा प्रयास करेंगे कि गाड़ियां प्रॉपर तरीके से टाइम से चले। पहले इस रूट पे 5 गाड़ियां थी, तो लोगों की डिमांड है कि भाई यहाँ पे गाड़ी भी बढ़ने चाहिए और वो टाइम से भी चलनी चाहिए, तो इसलिए हमने लोगों की डिमांड और यहाँ के रूट के रश को देखते हुए हमने यहाँ पे टोटल 9 गाड़ियाँ कर दी हैं और उनका टाइम टेबल भी बना दिया है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अभी हमारी 2 दिन हड़ताल है 16 और 17 को, तो यदि 16 और 17 की हड़ताल नहीं होती है तो कल से ही हमारा प्रयास है कि 9 गाड़ियाँ एज पर शेड्यूल यहाँ पे चलेगी, सुविधा दी जाएगी।
ताकि किसी तरह की कोई पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। हमने एक तरह से डबल कर दिया है। 15 मिनट का टाइम रहेगा सुबह, क्योंकि सब काफी रश आवर होता है, बच्चे आते हैं, तो 15 मिनट का टाइम टेबल रहेगा सुबह और 20 मिनट का टाइम टेबल रहेगा दिन में, और 2:30 बजे के बाद फिर 15 मिनट का, क्योंकि दोबारा फिर रस होता है, बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, तो 15 मिनट का टाइम टेबल दोबारा। कितनी समय आज हमारी टोटल 7 बसें चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा हमें दिक्कत ये आ रही है क्योंकि हमने टाइम टेबल बनाया, कल ही हमने टाइम टेबल बनाया, क्योंकि परसों तो हादसा ही हुआ था, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कल या परसों तक पूरी 9 की 9 गाड़ियां एज पर शेड्यूल। यातायात लगभग 1 या 1.5 घंटे यातायात प्रभावित रहा, उसका हमें खेद है। हम कोशिश करेंगे कि आज दिन में किसी तरह की कोई सर्विस बाधित ना हो।